हिप्नोसिस क्या होता है? हिप्नोसिस एक ऐसी ट्रांस लाइक स्टेट होती है जहां पे आप और भी ज्यादा अवेयर होते हो। जैसे कि अगर आपकी इस फिंगर में मान लीजिए दर्द हो रहा है और मैं आपको हिप्नोसिस में ले जाऊंगी, तो आपको पूरी तरह से ये पता होगा कि ये दर्द मेरे को कहाँ से शुरू हो रहा है, कौन सी नर्व में है। सो अभी तक तो सिर्फ फिंगर में दर्द हो रहा है इतना पता है, अब आपको ये भी पता रहेगा कि नर्व में है। तो मैं जितना ज्यादा आपको बोलूंगी कि अरे मोना जी आप थोड़ा और देखिए कि अब ये नर्व कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो आप बोलोगे नहीं ये नर्व तो मेरे हार्ट तक जा रही है। फिर मैं आपको जी बोलूंगी अच्छा बताइए कि हार्ट में क्या है, तो आप बताओगे कि अरे मुझे बहुत हैवीनेस हो रहा है, ये हो रहा है। अच्छा है, अब मैं उसके बाद आपको पास्ट लाइफ में ले जाऊं या इस लाइफ के पास्ट में ले जाऊं, मैं हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ ठीक है, तो मुझे पता है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है और मुझे आपको कैसे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है, क्योंकि मैं थेरेपिस्ट हूँ आपकी, राइट। जी मैम लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको नहीं चाहिए कि भाई जो आप बोल रहे हो वो मुझे रेजोनेट नहीं हो रहा, मेरे साथ सही नहीं बैठ रहा वो, तो आप अपने तरीके से भी अपने पेन को रिलीज कर सकते हो, या आप अपने तरीके से भी आप मुझे बोल सकते हो कि नहीं मुझे ऐसे नहीं, ऐसे इस पेन को रिलीज करना है। तो जब आप हिप्नोसिस में भी होते हो तब भी आपके माइंड का पूरा कंट्रोल आपके पास ही होता है, ओके, किसी और के पास कभी नहीं होता है। वो एक वो जादू टोने वाली बात अलग है, जो हिप्टोनिज्म बोला जाता है वो अलग चीज है, उसको हम बात ही नहीं कर रहे यहाँ पर, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रक्चरल टेक्निकल प्रोसेस है जो हम करते हैं ठीक है, और जी बिना आपके ब्रेन को हार्म पहुंचाए हुए या आपके किसी भी प्रोसेस को बिना टच किए हुए आपकी जो प्रॉब्लम है आज की उसको पास्ट लाइफ मिले। देखिए पास्ट लाइफ ही नहीं होता है इसमें, इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं हिप्नोसिस में, बहुत है। पास्ट लाइफ एक पार्ट है जो सबसे ज्यादा फेमस हो गया है, क्यों? क्योंकि जो वो थे ना डॉक्टर ब्रायन वेस, उनकी जो बुक्स जब हिट हो गई तो ये पास्ट लाइफ बहुत ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने लगा, उन्होंने जो बुक्स लिखी है उसकी वजह से। बट एक्चुअली हिप्नोसिस बहुत वास्ट एरिया है, बहुत वास्ट, मतलब हर चीज का आपको उसमें इलाज मिलेगा, हर चीज का। मैम जैसे हम ध्यान करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे अलग अलग चीजें दिखाई देती है, तो इसे प्रोसेस करने के बाद में सीखने बाद में वो हम उन चीजों को भी पकड़ पाएंगे कि ये चीजें हमें क्यों दिखती नहीं है। नहीं नहीं देखिए जो आप मेडिटेशन करते हो देन यू आर लिसनिंग टू द गॉड, ओके, आप भगवान आपको जो दिखा रहा है आप देख रहे हो ठीक है, ये आपके अंदर चल रहा है ठीक है, जी ये एक गाइडेड चीज है जो आपको, जैसे आपने मुझे बोला कि देखिए दो चीजें होती है, अब आप ऐसे समझिए, एक होता है हीलिंग और एक होता है यस थेरेपीज ठीक है। हीलिंग और थेरेपीज में क्या फर्क है? मैं पहले हीलर थी, मैंने रेकी किया, थीटा किया, ये किया, वो किया, वो किया, वो किया, ठीक है, चलो बहुत सारी अच्छे फायदे हुए मुझे, बहुत सारी चीजें समझ में आई, बहुत सारा मेरा सोल का कहते हैं पर्पस क्या है, ये सारी बहुत सारी चीजें उसमें आती, वो आई लर्न्ड दैट ओके, मैंने बहुत अच्छे से उसको समझा। जी लेकिन मुझे एक ही चीज थी कि अगर मेरे पेट में दर्द हो रहा है वो मेरा ठीक नहीं हो रहा तो क्या फायदा ठीक है, तब मैं नेक्स्ट डे भी मैं दोबारा मेडिटेशन नहीं कर पाऊंगी। नमस्ते मैम, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते हाँ आप शांति जी, जी, वेलकम शांति जी। थैंक सो द थिंग इज दैट जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि थेरेपीज का एक बहुत डिफरेंट चीज होती है, कि थेरेपीज एग्जैक्टली वहीं पे काम करती है जहां पे प्रॉब्लम है, इधर उधर नहीं। जैसे हीलिंग अपने तरीके से काम करते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि हीलिंग से फायदा नहीं होता, फायदा बहुत होता है, लेकिन वो हीलिंग सारे ये पापा गाँव जो है अपने तरीके से काम करेगी, लेकिन यहाँ पे ये हमारे कंट्रोल में है कि हमको कहाँ पे क्या करना है, करवाना है या जो भी है। हालांकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन या जो हिप्नोसिस है इन सब का एक स्पिरिचुअल साइड भी है, वो भी आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। हम लोग पास्ट लाइफ भी बहुत तरीके से करते हैं, बहुत अलग अलग लर्निंग्स हम लेके आते हैं पास्ट लाइफ में कि हमारी सोल को क्या प्रॉब्लम थी। बहुत सारे ऐसे पास्ट लाइफ्स होते हैं जहाँ पे आज आपके जो प्रॉब्लम हो रही है, सपोज एक हमारी क्लाइंट थी, पता नहीं आज वो आई है या नहीं आई है, उनके कमर में बहुत दर्द रहता था, तो पता चला कि उनको पिछले जन्म में उनके जो ब्रदर इन लॉ थे उन्होंने मारा था, तो वो तब से वो पेन लेकर के आई है, एंड जब पास्ट लाइफ हुआ उसके बाद उनको काफी रिलीफ हो गया उस पेन में।
तो बहुत सारी ऐसी चीज है ये, तो मतलब मैं आपको बताऊं बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं पास्ट लाइफ में। क्लास में भी बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारे सेशंस हुए हैं क्लास में, और बहुत सारी चीजें हुई हैं जिसकी जिसमें लोगों को सबको समझ में आया कि अच्छा कोई भी चीज जो आज हमारी बॉडी में हो रही है उसमें एक मेमोरी होती है, वो मेमोरी कहाँ से आ रही है, हमको उसको रिलीज करना होता है तो वो पेन चला जाता है, लेकिन वो मेमोरी जहां से आई है पहले हमें वहां समझना तो पड़ेगा कि वहां ऐसा क्या रह गया था बाकी जो हमको अब रिलीज करना है। ओके। हम्म।